अच्छा, किचन में एंटर करते ही आपका भी मेरी तरह सर चकराता है क्या? क्योंकि हमें डेली नाश्ते में समझ नहीं आता कि हम बच्चों के लिए क्या बना के दें, बड़ों के लिए क्या बना के दें। तो आज मैं ऐसी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है। तो बिना देरी करें आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा और राधा जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस नाश्ते को बनाने के लिए आधा कप से भी कम हम यहाँ सूजी लेंगे। तो सूजी जो लेंगे वो मोटी वाली लेंगे, नाश्ता टेस्टी मोटी वाली सूजी में बनेगा। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गेहूं का आटा लिया, बट मोटा वाला लिया है, जो दरदरा होता है ना, जिससे हम बाटी वगैरह बनाते हैं, वो वाला आटा लेना है। या फिर आप दलिया वगैरह घर पे पिसाते होंगे तो जिसको छानते हैं तो आटा निकलता ना मोटा वाला, वो ले सकते हो, इससे नाश्ता टेस्टी बनता है। आधी कटोरी की लगभग दही लिया है, तो दही हमें ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, एकदम फ्रेश दही का यूज़ करेंगे नाश्ते में हम। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे, तो एक शिमला मिर्च ली, उसको कट करके इसमें हम ऐड कर देंगे। दो टमाटर लिए थे, छोटे छोटे थे इसीलिए दो लिए, आपका एक टमाटर बड़ा हो तो काफ़ी है, उसको भी कट करके डाल देना। और सभी चीज़ों को आपको बारीक नहीं कट करना है, मोटा मोटा कट करना है, ओनली हरी मिर्च को बारीक कट करना है, क्योंकि फिर ये खाने में आएंगी ना तो फिर तीखापन ज़्यादा हो जाएगा यदि मोटी मोटी डालेंगे। तो दो हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें हमने डाल दिया, साथ में एक बड़ी साइज की प्याज ली, उसको बारीक कट करके डाला है। एक खीरा ले लिया, छोटा था, और हरा खीरा लेना है आपको, जिसके बीज बिल्कुल कच्चे हों, तो मुँह में आते तो अच्छे लगते हैं, पके पकाए बीज आते ना मुँह में फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसको भी कट करके डाल देंगे। बहुत ही हेल्थी रेसिपी बना रहे हैं, हरे धनिया की पत्ती को डाल देंगे। तो इन दिनों मुरझाया हुआ हरा धनिया पत्ता आ रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, सड़ जाता है हरे धनिया का पत्ता वगैरह। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और हाँ 1 टीस्पून के लगभग चाट मसाला डाल देंगे। तो नमक थोड़ा ध्यान में रखते हुए डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक आता है। अब हमने 10-12 लहसुन लिया था, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया, उसको खल्लड़ में कूट लिया था और इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो इस जगह जिंगर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो, और सभी चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ मिक्स कर देना है। तो एकदम बढ़िया तरीके से हम यहाँ मिक्स कर देंगे, क्योंकि इससे हमें पानी का पता पड़ जाएगा, सब्जियाँ अपना रस छोड़ेंगी, तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमें बाद में इसमें कितना पानी डालना होता है। अभी आप देख रहे हो बिखरा बिखरा लग रहा होगा आपको ये सब कुछ, पर धीरे धीरे आप इसको मिक्स करते जाओगे तो एकदम बढ़िया इसका डो सा लग जाता है, सूजी भी मतलब पानी में अच्छे से मिक्स हो जाती है रस में वेजिटेबल्स के, देख रही हो वो वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, आपके पसंद के इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे आलू को ग्रेट करके डाल सकते हो, पत्ता गोभी हुई, गाजर हुई, जो भी पसंद हो उसे डाल सकते हो, जो भी आपके मिलती हो। तो पानी डाल दिया था थोड़ा सा, और इसको अच्छे से हमने यहाँ मिक्स कर दिया। अब इसमें हम पानी और डालेंगे, आधा ग्लास के लगभग आपको यहाँ पानी लग जाता है, और एकदम बढ़िया हमारा यहाँ पर बैटर इसका बनकर तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल पतला भी नहीं करना है, बीच का गाढ़ा भी नहीं करना है, एकदम गाढ़ा ही इसका बैटर हमें बनाना है। हल्का पानी डाल देंगे, इससे ये होगा कि हमारी सूजी वगैरह फूल जाएगी तो नाश्ता टेस्टी हो जाता है। तो पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है हमें। अब इसको हम यहाँ ढककर रख देंगे, इससे ये होगा कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। तो ज़्यादा देर नहीं रखना, 5 मिनट के लगभग रख दोगे, इतने में भी सूजी अच्छे से फूल जाती है। तो इसको ढककर रख दिया, अब इसको हम यहाँ ओपन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको वेजिटेबल दिख रही होंगी, काफ़ी इन्होंने रस छोड़ा और काफ़ी ये मतलब कम होती जा रही हैं, कुछ इस तरीके का आपका ये बैटर हो जाएगा यहाँ, देख रहे हो। तो बस चलते हैं फिर बिना देरी कर गैस की ओर, एकदम बढ़िया इसको पहले अच्छे से मिक्स दे देंगे। हमने इसमें दही डाला तो काफ़ी फूला फूला आपको बैटर नज़र आएगा कुछ इस तरीके का। तो वेजिटेबल्स इसमें हमने भर भर के डाली, तो नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा हेल्थी बनेगा। गैस पर हमने पैन रख दिया गैस ऑन करके, अब हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देना है हमें इसमें, और थोड़ा सा अब बैटर लेंगे, मतलब इसको हमें जो बनाना है थोड़ा मोटाई में बनाना है, तभी ये नाश्ता हमारा टेस्टी बनता है। तो यहाँ 2 चम्मच के लगभग हम बैटर लेंगे, और उसके बाद इसको हल्का हल्का फैलाते जाएंगे, और ज़्यादा पतला हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और एकदम टेस्टी नाश्ता हमारा बन जाएगा। थोड़ा इसको हल्का सा शेप दे देना गोलाई में कुछ इस तरीके से। तो इसको सिकने देंगे, अब जैसे कि इसमें हमने वेजिटेबल सब कच्ची डाली हैं, भर भर के डाली हैं, तो इसको ढककर पकाएंगे, जिससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। तो ढककर रख देना 2 मिनट के लगभग। तो अब इसको हम यहाँ ओपन करके देख रहे हैं, और एकदम बढ़िया हमारा नाश्ता सिक चुका है, बिल्कुल हाथ से बैटर चिपकेगा नहीं, और सब्जियाँ आपको अलग ही नजर आने लगेंगी कि अच्छे से पक चुकी हैं। तो हल्के से ऑयल ग्रीस कर देना, 2 बूंद ऑयल लगता है फ्रेंड, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसको हल्के से ग्रीस करने के बाद अब हम यहाँ पलट देंगे, जिससे ये दूसरी साइड से भी नाश्ता हमारा अच्छे से सिक सकेगा। तो देख सकते हो कितना अच्छा इस पर कलर आ चुका है, हल्का सुनहरी सा। तो इसको ढककर ही रखेंगे, जिससे सब्जी हमारी अच्छे से पक जाएंगी। तो 1-1.5 मिनट के लगभग रखेंगे, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो बीच में अलट पलट के देख सकते हो इसको। अब इसको हम यहाँ ओपन करके देख रहे हैं, और इसको पलट के भी देख लेते हैं नाश्ता हमारा कितना सिक चुका है।
तो देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम बढ़िया सिक चुका है, सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तो इसको थोड़ा खुले में भी सेक लेना है आपको 1 मिनट के लगभग, क्योंकि हमने नाश्ता काफ़ी मोटा बनाया है ना, तो इसको अच्छे से सेकना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इस नाश्ते को आप बनाओगे ना तो एक बार में एक इंसान के लिए एक ही नाश्ता काफ़ी हो जाता है। तो इसी तरीके से आप पूरे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना। तो सेम वैसे ही बनाना है, ऑयल ग्रीस कर देना है, वापस से बेटर लेना है आपको और फैला देना है और ढककर रख देना है और उसको निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूला करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे और आप सभी वीडियोज़ को देख सको। और हाँ रेसिपी अच्छी लगा करें तो प्लीज़ कॉमेंट भी लिखकर आप मुझे ज़रूर बता दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कॉमेंट आते हैं ना, सच्ची में मुझे बहुत बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखने में आपका कुछ नहीं जाता है बट मुझे बहुत खुशी देता है, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है मेरा, ऐसा लगता है कि हाँ दिन भर की मेहनत वसूल हुई, दूसरे दिन मेहनत करने में बहुत मज़ा आते हैं। तो ढककर रख देंगे, सेम उसी तरीके से हमें नाश्ता सेक लेना है। तो ओपन करके देख रही हूँ दोनों ही साइड से नाश्ता अच्छे से सीख जाता है। गेहूँ के आटे से बना है, काफ़ी भर भर के वेजिटेबल्स डाली तो बहुत हेल्थी नाश्ता बनता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। आप शाम के टाइम भी इसको बनाकर खा सकती हो, सब्जी वगैरह नहीं बनानी हो तो एक नाश्ते को बनाकर खा सकती हो, क्योंकि नाश्ते को बनाने के बाद आपको सब्जी वगैरह किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को सर्व कर लिया है, देख सकती हो एकदम टेस्टी नाश्ता बना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। देख रही हो कितना टेस्टी नाश्ता लग रहा है ना, तो एक बार आप इसको बहुत बनाना और बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है आपको ये। तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहते हैं एंड में, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय।